एवरी वन मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक हमारा वो लॉ ऑफ मोशंस है, और ये टॉपिक हमने स्लाइड्स और नेरिस्ट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से रेडी किया हुआ है, जिससे कि आपका शॉर्ट इंटरवल में एक फास्ट ट्रैक रिविज़न हो जाए पूरे टॉपिक का। क्योंकि जब हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो जो आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में डालते हो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, चीज़ों को आप ध्यान से देखें। और इसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं, जो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने भी रेफरेंस बुक का ले करके उन सारे टॉपिक को रेडी करके उस चीज़ों को आप प्रेपर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में मैं अगेन कहूँगा, जो कि मैं नॉर्मली हर एक वीडियोज़ में कहता हूँ, हर एक क्लासेस में कहता हूँ, डू हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क ही आपको स्लाइड्स में आगे लेके जा सकता है। और ये जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास सारे मटेरियल भी हैं, एवरीथिंग है, लेकिन अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो रिज़ल्ट आप नहीं दे पाएंगे। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, लास्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू हार्ड वर्क, टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मोशंस जो आपका टॉपिक है, इसमें पहले आते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब होता है फिक्स बॉडी, कहीं बॉडी ऐसा जो मोशन नहीं कर रहा उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, कैन कॉजेज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशंस ओनली। अगर कोई एक ऐसा बॉडी है जो कि मोशन में नहीं है, रिजिड कंडीशन में है, और फोर्स अप्लाई करने से उसके स्टेट ऑफ पोजीशन में वो चेंज हो रहा है रेस्ट और मोशन में, वाइल अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी कैन कॉज बोथ द चेंजेज इन द डायमेंशन एज वेल एज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशंस। डायमेंशन का मतलब होता है, सपोज कि अगर मेरे पास बॉल बैलून है और उसको हम एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो शेप साइज में चेंजिंग होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन में चेंज होना। और अगर कोई बॉल हमारे पास कहीं पड़ा हुआ और उसको बैट से मान रहे हैं, अगर उसको बैट से पुश कर रहे हैं तो उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, वो अभी यहाँ पर था, आफ्टर सम टाइम फोर्स के बाद वो अपने पोजिशन को चेंज कर लिया, तो उसमें आपको स्टेट की चेंजिंग होती है। अब आते हैं कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है। द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी बाय एन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, जब कांटेक्ट में आने के बाद, कांस्टेंट नहीं, कांटेक्ट फोर्स, जब कांटेक्ट आने के बाद किसी बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग होता है उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ रिएक्शंस होता है, टेंशन इन स्ट्रिंग होता है, रेस्टिंग फोर्स होता है ड्यू टू स्प्रिंग, जैसे कि हमने स्प्रिंग को आउटसाइड में फोर्स लगाया तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो आपका इनलार्ज हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस ड्यूरिंग द कॉलिजन। अब जो दो बॉडी आपस में कॉलिजन मतलब टकरा रहा है, टकराने के बाद जो फोर्स लग रही है, तो ये सब सारे फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्सेस एट अ डिस्टेंस, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आए नहीं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू अदर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, दीज फोर्सेज कैन बी अट्रैक्ट एज वेल एज रिपल्सिव एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो इस तरह का जो फोर्स ऑफ अप्लाई कर रहे हैं इसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कोई एक ऐसी बॉडी है जो अपने जो पोजीशन वो रेस्ट में है, और अगर एक पोजीशन है, कोई बॉडी है जो कि अपने मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल वर्क उसके ऊपर वर्क नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। तो इस टाइप के जो लॉ होते हैं उसे हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मोशंस। इसी में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ही एक टॉपिक आता है इनर्सिया। इनर्सिया न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही निकला है। सो इनर्सिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. मोर द मास ऑफ ए बॉडी, मोर इज इट्स इनर्शिया. इनर्शिया इज ऑफ टू काइंड्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशंस. मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है. इसे ही हम लोग इनर्शिया कहते हैं. नेक्स्ट, फोर्स. फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल कारण है जिसके कारण कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका पोजिशन मोशन में हो जाता है, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी मोशन इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, अदरवाइज वो रेस्ट में आ जाती है. तो ये जो एक्सटर्नल कॉज है जिसके कारण कि उसके स्टेट में चेंजिंग हो रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं फोर्स. नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. एम इंटू भी जो होता है इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं. लीनियर मोमेंटम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल वन डायमेंशन में उसका मोशन होता है. जब उस मास में, जैसे कि एक गाड़ी, एक कार है, उसकी एक अपनी मास है, उसकी एक अपनी वेलोसिटी है, तो मास वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का मुझे लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा. और लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज न्यूटन सेकेंड. क्योंकि आपका केजी न्यूटन होता है, जो आपका फोर्स होता है, फोर्स एफ इजिकल टू, अगर आप देखेंगे तो एफ इजिकल टू एम ए होता है. तो एम ए को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें न्यूटन का मिलेगा. सो आप केजी मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, अदरवाइज न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं. ये लीनियर मोमेंटम का यूनिट हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशंस. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एंड द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड. देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम, मान ली कोई बॉडी जो है चल रही है तो उसका स्टार्टिंग मोमेंटम एम वन वी वन है, और आफ्टर सम टाइम उसका जो मोमेंटम हो गया वो एम टू वी टू हो गया. तो इनके बीच का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. और इट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस. मतलब जो वर्क आप फॉरवर्ड कर रहे हैं उतना ही वर्क आपका बैकवर्ड होगा. दैट लॉ इज नॉन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ. और न्यूटन्स थर्ड लॉ जो एक्ट होता है उसका एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि अगर आप बोर्ड पे हैं, बोर्ड पे अगर रिवर के बीच में अगर बोट से जंप करते हैं तो जितना फोर्स आप बोट पे लगा रहे हैं आगे जाने के लिए, बोट उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाती है जिससे कि आप आगे जाते हैं. और जो फोर्स आप, जितना फोर्स आप अपने आप के लिए आगे लगाते हैं उतना ही फोर्स बोट पे लगती है जो वो बोट पीछे जाती है. तो इसको हमने लॉ ऑफ मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लॉ ऑफ मोशन से जो दूसरे जो है फास्ट ट्रैक रिविजन को हम लोग कवर करेंगे. थैंक यू.